सब कुछ सहना पड़ता है। कई साल गुजरे लेकिन मॉब लिंचिंग देख चुकी इन आंखों के आंसू अब तक सूखे नहीं हैं। बड़ी बड़ी तकलीफ थी, बड़ी बड़ी परेशानियां, सबको बर्दाश्त करा। जून 2018, यूपी का हापुड़ जिला। तब हिंसक भीड़ ने कासिम की गोकशी के शक में जानलेवा पिटाई की थी। समयदीन के मुताबिक वो बीच बचाव करने गए तो उन्हें भी पीटा गया। तेरा नाम? मेरा नाम समयदीन। हाँ, वहाँ का नाम? कासिम। कासिम आगे भाग रहा था और वो पीछे भाग रहे थे और उसने बचाओ बचाओ की रौन मचाई। मैं वहाँ से चल के उनके करीब गया। करीब जाके मैंने कहा, भाई क्या बात है, क्यों मार रहे हो तुम इस आदमी को? उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट शुरू कर दी। भीड़ ने कासिम की जान ले ली। अस्पताल में इलाज से समयदीन की जान तो बच गई लेकिन उस खौफनाक याद के जख्म अब तक भरे नहीं हैं। मार्च 2024 में हापुड़ की जिला अदालत ने इस मामले में मॉब लिंचिंग के 10 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद हम पहुंचे हापुड़ के पिलखुआ कस्बे। यहां कासिम का परिवार उनके छोटे भाई सलीम के साथ रहता है। 12 मार्च को जब कोर्ट का फैसला आया तो पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। हम चाहते थे तो उनको फांसी की सजा भी मांग सकते थे। हमने आजीवन कारावास उनके लिए इसलिए मांगी है जो औरों को भी समझ होगा, क्योंकि हम फांसी मांगे तो उनमें हमें क्या कमी रह जाती, तो इसलिए हमने आजीवन कारावास हमने कोर्ट से बुहार लगाई। फैसला आया हमारे कोर्ट से, हमें न्याय मिला, हमें इंसाफ मिला, इससे हम बहुत खुश हैं। आगे तक के भी इंशाल्लाह हम न्याय के लिए लड़ेंगे। ऐसे केसों में तो देरी होती है, बाजी बाजी केस अभी ऐसे पड़े हैं, अभी कुछ नहीं हुआ उनमें। बाकी देखो, जो सच्चाई कहीं नहीं जाती, जो सच्चाई हो सामने आ जाती है। 45 साल के कासिम मवेशियों की खरीद बिक्री का धंधा करते थे। 18 जून 2018 को वो घर से निकले और फिर कभी नहीं लौटे। गाय के नाम पर उनकी हत्या की गई और पीछे छूट गई पत्नी और 6 बच्चे। घर से जब जा रहे थे, जब उन्हें बुलाया था तो 2 घंटे पहले बात हुई थी मेरी उनसे, बस फोन पर बात हुई थी। मैं ससुराल थी अपनी, शाम को फिर उनकी खबर आ गई थी। ईद के बाद ख़त्म करे थे हमारे पापा को। जब भी ईद आती, जब भी हमें बहुत याद आती है उनकी, हर त्यौहार पर सब होते हैं, हमारे पापा नहीं होते, घर भी खाली खाली लगता है पापा के बिना। बस चाचा को देख ले, सब आया था कि चाचा तो हैं भी। पिलखुआ से कुछ दूरी पर है बझेड़ा खुर्द गांव, जहां मॉब लिंचिंग की ये घटना हुई थी। गांव के बगल में है मदापुर मुस्तफाबाद गांव। उस रोज मदापुर के रहने वाले समयदीन जानवरों का चारा लेने गए थे, तभी वहां हिंसक भीड़ ने गौहत्या का आरोप लगाकर समयदीन की पिटाई की। मैंने कहा, भाई क्यों मार रहे हो तुम? पहले तो इसे क्यों मार रहे हो, फिर मुझे तुमने कुछ कहा नहीं, मेरा कसूर नहीं बताया, फिर तुम मुझे मारने लगे। उन्होंने कहा, तुम दोनों गाय काटते हो। मैंने कहा यहाँ ना तो कोई गाय का मामला है, ना यहाँ कोई छुरी है, ना कोई कुहाड़ी है, ना कोई जानवर है, ना कोई रस्सी है, ऐसा कोई मामला नहीं है। हम तो दराती है हमारे पास, चारा लेने आए हैं। उन्होंने हमारी एक न सुनी, वो हमें हमारे साथ और ज़्यादा मारपीट करने लगे। उसने हाथ जोड़ जोड़ के बहुत पानी मांगा, उनकी घूंट नहीं गई। जितना वो पानी मांगता उतना ही उसे मारते, जितना पानी मांगता उतना ही उसे मारते। इन दोनों परिवारों के साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने भी एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और फिर मैं यही दोहराऊंगी कि ये फैसला सिर्फ समयदीन और कासिम को इंसाफ नहीं दिलवाता, ये समाज में एक बहुत बड़ी
बड़ा निर्देश देता है। अगर आपको लगता है किसी ने किसी को किसी ने कानून का उल्लंघन करके मारा है काटा है तो आप जाइए थाने में रपट दिखाइए, मगर अगर आप एक भीड़ बन के किस लोगों को उकसाकर जान ले लेंगे कि हम तय करेंगे कि कौन इस देश में सही या गलत और हम किसी मुसलमान को मारेंगे तो कानून उसकी इजाजत नहीं देगा। इस मामले में अदालत ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। क्रिमिनल लीगल सिस्टम के ही कुछ अंश, जहां पर एक पुलिस अफसर जिसने एक झूठा एफआईआर करके इस पूरी कहानी को सोचा मैं नीचे दफना दूंगा एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कह के, जो फैसला आया है उसमें जज साहिबा ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और वो बातें जो हमारा पुलिस का ढांचा है उसके लिए भी है, उन्होंने आईजी पुलिस को कहा है कि इस केस में कुछ खामियां हैं और वो खामियां विवेचना के दौरान छोड़ी गई हैं। किस पुलिस वाले ने ये ओमिशंस करी हैं, ये खामियां, ये लैप्सेस, ये गैप्स इन्वेस्टिगेशन में छोड़े हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने ऐसे किए हैं उनके खिलाफ जो भी एक्शन एज पर लॉ है लेना चाहिए। दोषियों के परिजन का कहना है कि उनके परिवार के लोगों को मामले में फंसाया गया है। 10 दोषियों में से एक दोषी हैं ललित। बीबीसी ने फैसले पर ललित की पत्नी संगीता से बात की। गलती हुआ है, जो कुछ हुआ है ये तो अपने घर पे काम करवा रहे थे, उसके मेरे घर पे काम चल रहा था, मेरे गांव में फादरी थी, किसी के बाहर किसी लड़ाई भिड़ाई में किसी से कुछ नहीं कहते, चाहे इनको कोई कुछ भी कह के चला जाए पर ये किसी से कुछ कहते ही नहीं, कैसी भी नहीं कहते। एक और दोषी हरिओम के भाई सत्येंद्र का कहना है कि अब हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सलीम ने अपने भाई को खोया लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अदालत के फैसले के बाद नफरत का ये माहौल बदलेगा। क्या आपको लगता है अभी जो माहौल है वो बदलेगा या आगे बदल रहा है जब से ये घटना हुई? देखो माहौल बदलेगा। देखो हम तो आज भी भाईचारा चाहते हैं और हम भाईचारा रखते हैं, हमारी कोई उनसे कोई जाति दुश्मनी की नहीं है, हम तो सिर्फ देखो हम भाईचारा चाहते हैं, भाईचारा में हम रहते हैं, तो हम तो देखो उन्होंने गलती करी है, गलती की तो सजा मिलेगी। समय दीन को मॉब लिंचिंग की उस घटना की याद करीब 6 साल बाद भी एक बुरे सपने की तरह आती है। उन हादसों को देख के आज भी डर लगता है, बहुत गलत महसूस होता है, कभी कभी रातों को सोने में भी वो चीज नजर आती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम आज बिल्कुल मर जाएंगे, हम आज नहीं बचेंगे, और जब हम उठते हैं देखते हैं ओहो ये तो ख्वाब था।